गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 11 चैप्टर 7 क्लास 7 सब्जेक्ट बायोलॉजी। जैसे कि स्टूडेंट हम लोग पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में, वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है। वेदर जो होता है उसका पीरियड सम टाइम्स होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन क्लाइमेट्स जो होता है उसका लॉन्ग पीरियड टाइम होता है, मतलब कि वो लंबे समय अंतराल पर चलता है। और वेदर जो होता है डे टू डे आवर टू आवर चेंज होते रहता है, लेकिन क्लाइमेट्स डे टू डे आवर टू आवर चेंज नहीं होता है, इसका लॉन्ग पीरियड होता है। तो उसी में हम लोग कल कुछ टॉपिक्स देखे थे कि वेदर और क्लाइमेट जो होता है वो चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस अलग अलग होता है, उसका इफेक्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। उसी में हम लोग आज देखेंगे स्टूडेंट माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के बारे में क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, तो माउंटेन्स जो होता है, माउंटेन्स का मतलब सभी को पता है कि माउंटेन्स क्या है। तो इसमें माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स यूजुअली है वे कोल्ड क्लाइमेट्स। हम लोग जैसे जानते हैं कि जो पर्वतीय इलाका होता है, एरिया होता है, वहां का जो क्लाइमेट होता है वह कोल्ड होता है, ठंडा होता है। The climate of place is greatly affected by its coldness to mountains. कह रहा है कि वहाँ का जो क्लाइमेट, जो माउंटेन्स प्लेस है, प्लेस का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही अफेक्टेड होता है जो माउंटेन्स के, क्या होता है, क्लोजनेस होता है, नजदीक होता है उससे, वहाँ के जो क्लाइमेट होता है उससे वो बहुत क्या होता है, अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट। अब टेम्परेचर क्या होता है माउंटेन्स का स्टूडेंट, तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, कब, जब हमारा हाइट जो होता है इंक्रीज करता है, बढ़ता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब गिरेगा। टॉप ऑफ माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो ऑल ईयर्स राउंड। माउंटेन्स का जो टॉप पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट, वहां पे सालों भर बर्फ गिरता है, वह बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो इस तरह हम लोग माउंटेन्स के बारे में देखे, तो माउंटेन्स का क्लाइमेट कैसा होता है, वहां पे रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं सब उससे प्रभावित होते हैं, या उनका जो एडेप्टेशन उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है, ताकि उनको वहां पे सर्वाइव करने में कोई दिक्कत न हो। अब हम देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से जो सी का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी मतलब सी से डिस्टेंस जो होता है लैंड का, उसके अनुसार अकॉर्डिंग क्लाइमेट होता है। तो जैसे हम अभी भी देखते हैं समुद्री इलाके को देखते हैं तो ज्यादातर हॉट होता है, गर्म होता है, ठंडे के दिनों में हमारे यहाँ ठंडा पड़ता है तो वहां पे गर्म ही पड़ता है, मतलब समर होता है। देखेंगे लैंड हीट अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन सी, मतलब कि सी से लैंड जो होता है वह हीट अप होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। लैंड हीट अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन सी, समुद्र से वह जल्दी होता है। एज इट इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, या क्या है, हीट का जो होता है वो बेटर कंडक्टर है। कोस्टल एरिया है वे मिल्ड विंटर एंड द कूल्ड समर, कोस्टल एरिया जो होता है उसके पास कहता है मिल्ड विंटर्स होता है और कूल समर होता है। समर के दिनों में वह कहता है कूल रहता है और विंटर के दिनों में मिल्ड विंटर रहता है। अब नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम लोग ओशियन करेंट्स, तो ओशियन करेंट्स की बात जब करते हैं तो ओशियन करेंट्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए रीजन, उस रीजन का जो टेम्परेचर होता है वह इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। द वार्मर गल्फ स्ट्रीम कीप्स द वेस्ट कोस्टल कोस्ट ऑफ यूरोप, यूरोप का जो वेस्ट कोस्ट होता है वहां फ्री फ्रॉम द स्नो, वह स्नो से क्या होता है, फ्री फ्रॉम होता है, मतलब फ्री होता है, कब, विंटर के दिनों, मतलब यह होगा कि वहां जो विंटर का दिन होता है, विंटर के दिनों में वहां स्नो नहीं गिरता है, स्नो से वह फ्री रहता है। इन द समर दे आर वार्मर देन द अदर प्लेसेस, गर्मी के दिनों में वहां और प्लेसेस से ज्यादा गर्मी पड़ता है,
ओशियन करेंट्स में। तो इस तरह हम लोग इसको देखे। अब हम एक चीज देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कल हम लोग को बतलाए थे डे और नाइट के बारे में, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के कारण दिन और रात होता है, तो ये अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है स्टूडेंट। तो यहाँ अर्थ का देखिए एक पार्ट जो है यह डे है, दिन है, यहाँ लाइट है और यह अंधेरा है, नाइट है। यह नॉर्थ पोल है, यह आपका साउथ पोल है स्टूडेंट। तो यहाँ क्या देखिए, यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, मतलब कि पृथ्वी अगर रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो पृथ्वी का जो आधा पार्ट है यह सूर्य के दिशा की तरफ है, तो यहाँ दिन है क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और जिस पार्ट में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है वहां क्या है? नाइट है। तो हम यह समझते हैं कि रात के दिनों में सूर्य का जो प्रकाश होता है वह हम तक नहीं पहुंचता है, जिस कारण हमारे यहाँ क्या होता है? रात होता है। तो यह कब कैसी होता है? तो अर्थ के रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन जो होता है उसके कारण ही दिन और रात होता है। रे ऑफ लाइट फ्रॉम द सन, मतलब कि सन से क्या हो रहा है, सन का प्रकाश का जो रे है वह पड़ रहा है पृथ्वी के आधे पार्ट में। तो आधे पार्ट में क्या है? डे है, और आधे पार्ट में क्या है? ब्लैक है, मतलब कि नाइट है। तो इस तरह हम इसको देखें। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट में डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड का जो डायरेक्शन होता है उसको देखेंगे। तो देखेंगे द विंड फ्रॉम सी ऑफ्टन ब्रिंग रेन, जब समुद्र से हवा चलती है तो बारिश लेकर आती है। टू द कोस्ट, कोस्ट में, कोस्ट जो होता है उसमें, एज द विंड ट्रेवल ओवर द सीज एंड ओशियंस दे पिक अप द मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन, मतलब उसके साथ मॉइस्चर जो आता है लेकर आता है और वो बारिश को लेकर आता है। ऑन द अदर हैंड इफ द विंड ब्लो फ्रॉम द डेजर्ट द राइज द टेम्परेचर ऑफ रीच ए रीजन। अब कह रहा है देखिए होता क्या है, जब दूसरे एंड लिखते हैं तो इन द अदर एंड ऑफ द विंड ब्लो फ्रॉम द डेजर्ट, डेजर्ट से जब हवा चलता है तो राइज द टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है राइज करता है, बढ़ता है उस रीजन का। मतलब क्यों? तो डेजर्ट जो होता है हॉट प्लेस से जाता है, वहां से जो हवा आता है वह गर्म हवा होता है, जब वह आएगा तो टेम्परेचर निश्चित है क्या होगा, उस रीजन का बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक स्टूडेंट, एयर नैनो इफेक्ट्स। एयर नैनो इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो ये देखेंगे कि इट इज एन यूजुअल एंड अनएक्सप्लेनेड फिनोमेनन, यह ऐसा एक फिनोमेनन है जो अनयूजुअल है और अनएक्सप्लेनेड है, इसको यूजुअल भी नहीं है और यह इसको एक्सप्लेनेड भी नहीं है। इट इज अनदर फैक्टर दैट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, कह रहा है कि एक यह दूसरे तरीके का फैक्टर जो हमारे प्लेस को क्या करता है, प्लेस का जो क्लाइमेट है उसको यह प्रभावित करता है। द फिनोमेनन कॉज द इरेगुलर वार्मिंग ऑफ द वाटर इन द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में क्या होता है, इसके कारण, इस फिनोमेनन के कारण इरेगुलर वार्मिंग होता है। बिकॉज ऑफ दिस वार्मिंग देयर इज ए ग्लोबल चेंजेस, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का ग्लोबल चेंजेस होता है इन द रेनफॉल एंड विंड पैटर्न, और वहाँ का कहता है वहाँ का जो रेनफॉल का पैटर्न है, बारिश का जो तरीका है या विंड पैटर्न जो है हवा का जो तरीका है आंधी का, उस वह चेंज होता है। होता क्या है स्टूडेंट कि यह प्रत्येक साल 2 से 10 ईयर्स एवरी ईयर्स पेयर कहता है, यह आते ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, मतलब आते रहता है। ईयर लैनो किल्स द लार्ज नंबर ऑफ सी ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जब ईयर लैनो इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है तो समुद्र में बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्राणी जो होते हैं वह इससे प्रभावित होते हैं और वह मर जाते हैं। तो यह ईयर लैनो इफेक्ट भी क्या करता है, उसको प्रभावित करता है। किसको? तो सी जो लाइफ है, समुद्री जो जीव है, ऑर्गेनिज्म है, उसको प्रभावित करता है, उसके जीवन को प्रभावित करता है। अब स्टूडेंट लास्ट देखेंगे मैन मेड कॉज। तो स्टूडेंट मैन मेड कॉज हम देखेंगे, यहां देखेंगे स्टूडेंट मैन मेड कॉज, मैन मेड कॉज।
देखिए सुनो, तो मैन मेड कॉजेस देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि मनुष्य के द्वारा बहुत सारे चीज कारण होता है, जैसे पॉल्यूशन को लीजिए, सॉइल पॉल्यूशन हुआ, एयर पॉल्यूशन हुआ, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हुआ, इस तरह के जो पॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट, वह मैन के द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बहुत सारे रिवर जो है, वाटर पॉल्यूशन, रिवर को हम लोग प्रदूषित करते जा रहे हैं, उसमें जितने भी कचरा होता है डालते जाते हैं, तो उससे मनुष्य का लाइफ भी उससे क्या होता है, खतरे में पड़ता है। या अगर सॉइल फर्टाइल है, फर्टिलिटी सॉइल है, तो उसमें हम तरह तरह के केमिकल्स डालते हैं ज्यादा उपज के लिए। अगर हम वह एक्सेस डालते हैं, ज्यादा डालते हैं, तो भी वह उसके लिए हानिकारक है। या हम जितने भी पॉलिथीन का यूज करते हैं और उसको हम फेंक देते हैं कहीं फर्टाइल सॉइल में, तो वह गलता नहीं है और उस फर्टाइल सॉइल को क्या करता है, इनफर्टाइल बना देता है, मतलब कि वह उर्वरक क्षमता जो होता है उसमें उसको खत्म कर देता है और उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वह प्रभावित होता है, हमारा जीवन प्रभावित होता है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी प्रभावित होता है। जैसे देखिए आज पॉल्यूशन बढ़ रहा है, व्हीकल्स की संख्या बढ़ रहा है, तो यह मैनमेड कॉज है। पॉल्यूशन जब बढ़ेगा तो निश्चित है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वह इंक्रीज करेगा। जो आपको डे टू डे पता चल ही रहा होगा कि अब पहले का टेम्परेचर क्या है, 18 सेंचुरी पहले की बात करते हैं और 18 सेंचुरी के बाद की जब बात करते हैं, तो 18 सेंचुरी के बाद, 18वीं शताब्दी के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, कल कारखाने खुले, और वह जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ, इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ, यह रिवॉल्यूशन जो होता है बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा इसका किसपे, तो क्लाइमेट्स पे, इसका बहुत बड़ा क्लाइमेट्स पे इफेक्ट, वेदर एंड क्लाइमेट्स पे क्या पड़ा, इसका इफेक्ट पड़ा, तो वेदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, क्योंकि उससे पहले हमारा यहाँ का जो क्लाइमेट था, वेदर था, वो बहुत ही ठीक था, लेकिन बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन बढ़ा, तो यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा, बारिश सही समय से नहीं होता है, कोई भी मौसम सही समय पे नहीं आना शुरू हुआ, क्लाइमेट जो होता है चेंज होना चाहिए, जब बारिश होनी चाहिए धूप निकलना शुरू हुआ, जब धूप, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुआ, तो यह मैन मेड कॉज है जिसका प्रभाव पड़ता है और जिसका रिजल्ट भी हमको देखने को डे टू डे मिलता है। तो इस तरह यह टॉपिक क्या हुआ, अब खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर 12 में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, चैप्टर 7 का। स्टूडेंट आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, जहाँ कोई भी दिक्कत हो वहाँ फिर आप फोन बताएंगे। चलिए, थैंक्स।